नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे वर्ल्ड कप का 45वां T20 मुकाबला जो खेले जाने वाला है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में। तो दोस्तों, मुकाबला 21 जून को खेले जाने वाला है। 8 बजे मुकाबला स्टार्ट होगा डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम वेस्ट इंडीज की पिच पर। तो दोस्तों, आज के मैच में हम स्मॉलिक की टीम कैसे बना के चलें, कौन सा खिलाड़ी दोस्तों हमारी टीम में कैप्टन होना चाहिए, कौन सा खिलाड़ी दोस्तों वॉइस कैप्टन लगा के चलना है, कितने ट्रंप प्लेयर दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम से देखने को मिलेंगे और कितने ट्रंप प्लेयर दोस्तों यहां से इंग्लैंड की टीम से देखने को मिलेंगे, यूनिक ग्रैंड लीग टीम दोस्तों आज के मैच में हमारी किस प्रकार से बनेगी, कितने बैटिंग ऑर्डर लेके चलने हैं, कितने ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट है और कितने दोस्तों बॉलिंग सेक्शन आज के मैच में इंपॉर्टेंट होंगे, और लगभग दोस्तों विकेट कीपिंग की बात करें तो 4 विकेट कीपर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों फिलिप साल्ट और उसके साथ साथ दोस्तों बटलर, इधर बात करें तो हेनरिक कैलासन, क्विंटन डिकॉक, 4 दोस्तों आपकी टीम में हाई सिलेक्शन वाले विकेट कीपर देखने को मिलेंगे। क्या दोस्तों हम 4 के 4 खिलाड़ियों को सिलेक्ट करके चल सकते हैं, तो यह पूरी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखते चलना, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में। डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम वेस्ट इंडीज की जो पिच है वो कैसी है, बैटिंग पिच है या फिर दोस्तों यहां पर बॉलिंग ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि दोस्तों पिच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और वेस्ट इंडीज की दोस्तों जितनी भी पिचे हैं उसमें दोस्तों स्पिनर्स भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, प्लस में पेसर्स भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते हैं। तो पिच के अकॉर्डिंग दोस्तों बात करें तो यहां से दोस्तों पिच आपको बैटिंग पिच देखने को मिल जाएगी। टोटल इस पिच पर दोस्तों अभी तक अगर मुकाबलों के अकॉर्डिंग बात करें तो 22 T20 मैचेस इस पिच पर खेले गए हैं। जो टीम दोस्तों पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 11 मुकाबले जीते हैं। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने भी दोस्तों यहां पर अभी तक 11 मुकाबले विन किए हैं, यानी कि दोस्तों जो टीम बाद में बैटिंग करेगी उसके भी विनिंग चांसेस बनेंगे और जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके भी विनिंग चांसेस बन सकते हैं। बात करें दोस्तों यहां से एवरेज स्कोर के बारे में, तो इस पिच का एवरेज स्कोर दोस्तों काफी बढ़िया है, लगभग 168 के करीब दोस्तों स्कोर देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा स्कोर वेस्ट इंडीज का है 218 रन का, सबसे कम स्कोर भी दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम ने बनाया था, ओनली 105 रन पे ऑल आउट है। उसके साथ दोस्तों बॉलिंग की बात करें, लास्ट के जो 5 मैचेस यहां पर खेले गए हैं उसमें दोस्तों पेसर्स को 36 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 23 विकेट मिली है, यानी कि दोस्तों पेसर्स भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। प्लस में मैंने आपको बताया है कि वेस्ट इंडीज की जितनी भी पिचे हैं उस पे दोस्तों स्पिनर्स भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके साथ दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न 150 से नीचे 7 बार स्कोर है, 150-170 के बीच में 4 बार स्कोर है, 170-190 के बीच में 5 बार स्कोर है, 190 से ऊपर यहां पर दोस्तों अभी तक 6 ही बार स्कोर देखने को मिला है। पिच की कंडीशन दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। बात करेंगे दोस्तों रिसेंट मुकाबलों के बारे में, रिसेंट 2024 में T20 वर्ल्ड कप के जो यहां पर मैचेस खेले गए हैं उसमें दोस्तों किस प्रकार का परफॉर्मेंस हुआ है, पेसर्स ने किस प्रकार का परफॉर्मेंस किया है, स्पिनर्स ने कितनी विकेटें निकाली है, जो टीम दोस्तों पहले बैटिंग कर रही है उसने लगभग कितना स्कोर इस पिच पर बनाया है। तो रिसेंट में दोस्तों 2024 में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में T20 मुकाबला खेला गया था सुपर 8 का, जिसमें दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 180 रन का टारगेट रखा, चेस करते हुए इंग्लैंड की टीम ने आराम से दोस्तों मैच को विन कर लिया था 17 ओवर में, जिसमें 4 विकेट दोस्तों स्पिनर्स को मिली थी, 2 विकेट ओनली पेसर्स को। यह वाला मैच दोस्तों हाई स्कोरिंग देखने को मिला था। इस मैच में दोस्तों दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग ऑर्डर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके गया था। उसके बाद वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज की टीम ने दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए 218 रन का टारगेट रखा, अफगानिस्तान की टीम ये वाला रन चेस दोस्तों चेस नहीं कर पाई थी, जिसमें 4 विकेट स्पिनर्स को, 9 विकेट दोस्तों पेसर्स को। उसके बाद श्रीलंका नीदरलैंड, श्रीलंका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 201 रन का टारगेट रखा, जिसमें 5 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 10 विकेट दोस्तों पेसर्स को। उसके बाद स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला खेला गया, 6 विकेट स्पिनर्स को, 4 विकेट दोस्तों पेसर्स को। यहां पर दोस्तों सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है, यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है, यहां पर भी दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया और यहां पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। रीसेंट के जो 4 T20 मुकाबले इस पिच पर खेले गए हैं उसमें दोस्तों 2 मुकाबले जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उसने भी जीते हैं और 2 मुकाबले दोस्तों चेस करने वाली टीम ने विन किए हैं, यानी कि दोस्तों 50-50 यहां से कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके भी विनिंग चांसेस बनेंगे, जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी उसके भी विनिंग चांसेस बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब प्रॉफिट के बारे में, कि दोस्तों हम कंटिन्यू फैंटेसी खेल रहे हैं लेकिन प्रॉफिट आज तक देखने को नहीं मिला है, और वर्ल्ड कप में जो भी भाई लॉस की तरफ जा रहे हैं वो दोस्तों आज से ही रियल 11 पे खेलना स्टार्ट करें, जो कि मैंने नीचे दोस्तों ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। फटाफट से दोस्तों रियल 11 एप्लीकेशन को
जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहां पर काफी बढ़िया बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप इस एप्लीकेशन में 200 रुपए अगर आप डिपॉजिट करते हो तो यहां पर दोस्तों आपको ये वाला कोड ऐड करना है, 125 रुपए का दोस्तों आपको मैक्सिमम एक्स्ट्रा कैश बैक देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों अगर 500 रुपए डिपॉजिट करते हो तो आपको ये वाला कोड ऐड करके चलना है FD500, फिर दोस्तों यहां पर आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा कैश देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप और बढ़िया प्रॉफिट करना चाहते हो तो यहां से दोस्तों आप ट्रेडिंग करके भी बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो, जो कि दोस्तों मैं कंटिन्यू खेल रहा हूं और प्रॉफिट भी दोस्तों इस एप्लीकेशन पे काफी बढ़िया यहां से बना रहा हूं। जैसे दोस्तों इंग्लैंड वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच में जो मुकाबला खेले जाने वाला है, यहां पर दोस्तों कौन सी टीम मैच को विन करके जाएगी, तो 50-50 चांसेस हैं। यहां पर दोस्तों विन कर भी सकती है इंग्लैंड की टीम, यहां से दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम भी मैच को विन कर सकती है। और सेकंड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये रहेगा कि जो टीम दोस्तों पहले टॉस विन करेगी वो यहां से बैटिंग करने का फैसला करेगी, यस या फिर तो यहां से दोस्तों नो पे क्लिक करके आप काफी बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। मैं दोस्तों कंटिन्यू इसी एप्लीकेशन पे खेल रहा हूं और बहुत ही बढ़िया दोस्तों इस एप्लीकेशन पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है कंटिन्यू। दोस्तों अगर वर्ल्ड कप के मैचों की बात करें तो वर्ल्ड कप के मैचों में दोस्तों अदर फैंटेसी पे इतना प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है जितना दोस्तों मैंने इस एप्लीकेशन पे बना लिया है। उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर आप अपना ओपिनियन देके भी काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। जैसे दोस्तों क्या भारत वर्ल्ड कप T20 लीग 2024 जीतेगा, यस या फिर दोस्तों नो पे क्लिक करके 20 लाख रुपए तक का प्रॉफिट दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप लीग 2024 विन करेगा, यहां पर भी दोस्तों आप अपना ओपिनियन देके 20 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बना सकते हो। जो भी टीम दोस्तों आपको फेवरेट लगती है आप उसी टीम पे दोस्तों इन्वेस्ट करके प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से दोस्तों आज ही डाउनलोड करें रियल 11 एप्लीकेशन, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। प्लस में दोस्तों मेरा रेफर कूपन जरूर यूज करना, क्योंकि ये सभी के सभी ऑफर दोस्तों आपके एक्टिव देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड के अनुसार बात करें, लास्ट के जो 10 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं उसमें दोस्तों हेड टू हेड में इंग्लैंड की टीम ने 6 मुकाबले जीते हैं, साउथ अफ्रीका की टीम ने 4 मुकाबले विन किए हैं। रिसेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो लगातार दोस्तों यहां से 5 के 5 मुकाबले T20 वर्ल्ड कप के साउथ अफ्रीका की टीम विन करके आ रही है। इधर दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने रिसेंट के दोस्तों 5 में से 4 मुकाबले विन करके रखे हैं, जिसमें से दोस्तों वर्ल्ड कप के मैचों की बात करें तो 4 में से 3 मुकाबले दोस्तों वर्ल्ड कप के मुकाबले यहां से विन किए हुए हैं। अगर हेड टू हेड के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो इंग्लैंड की टीम दोस्तों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम देखने को मिलेगी, लेकिन रिसेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम बैक टू बैक यहां से मैचों को विन करके आ रही है। बात करेंगे दोस्तों यहां से फाइनली प्लेइंग 11 के बारे में, इंग्लैंड की आज के मैच की क्या फाइनल प्लेइंग 11 रहेगी, कौन से खिलाड़ी को दोस्तों हम लेके चलें, कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप करके चलना है, कौन सा खिलाड़ी दोस्तों हमारी टीम में कैप्टन देखने को मिलेगा, कौन सा खिलाड़ी दोस्तों वॉइस कैप्टन देखने को मिलेगा, ओपनिंग बैट्समैन में से दोस्तों विकेट कीपर आज के मैच में कितने खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि दोस्तों हाई सिलेक्शन वाले सभी ओपनिंग बैट्समैन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहां पर ओपनिंग बैट्समैन की बात करें तो फिलिप साल्ट, उसके साथ साथ दोस्तों बटलर, फिर जोनी बेस्टो, हैरी ब्रुक, मोइन अली, लिविंगस्टोन, उसके साथ साथ दोस्तों सैम करन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, मार्कवुड और टोपली, ये दोस्तों फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिल जाएगी इंग्लैंड की। और यहां से दोस्तों हाई सिलेक्शन में फिलिप साल्ट, जो कि रीसेंट के मैच में काफी तगड़ी बैटिंग करके आ रहा है, उसके साथ साथ दोस्तों यहां से बटलर का भी आपको हाई सिलेक्शन देखने को मिलेगा। उसके साथ यहां से जोनी बेस्टो की बात करें तो नंबर 3 तक दोस्तों बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों बैटिंग ऑर्डर का सबसे ज्यादा हाई सिलेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों ट्रंप प्लेयरों की बात करें तो मोइन अली प्लस में दोस्तों लिविंगस्टोन दोनों खिलाड़ी बॉलिंग कंफर्म करवाते हुए नजर आ सकते हैं, एक एक ओवर करवाए या फिर दोस्तों दो दो ओवर। उसके बाद दोस्तों यहां से सैम करन रीसेंट वाले मैच में फ्लॉप है, जोफ्रा आर्चर कंटिन्यू दोस्तों एक एक दो दो विकेट लेके जा रहा है, मार्कवुड और टोपली और उसके साथ आदिल रशीद, जो कि आज के मैच का ट्रंप प्लेयर देखने को मिल सकता है। बात करेंगे दोस्तों इनके प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सा खिलाड़ी रीसेंट के मैचों में किस प्रकार की बैटिंग कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर फिलिप साल्ट की बात करें, रीसेंट वाले मैच में 87 रन नाबाद, फिर 11, 12, 37 और 45 रन का परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड में पहला मैच है, ग्राउंड पे दोस्तों एक ही मुकाबला खेला था जिसमें 87 रन के साथ परफॉर्मेंस किया, 36 का एवरेज स्कोर दोस्तों इस खिलाड़ी का T20 फॉर्मेट में है। इस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो विकेट कीपिंग में दोस्तों काफी हाई सिलेक्शन देखने को मिलेगा। उसके साथ दोस्तों जोस बटलर रीसेंट वाले मैच में 25 रन, फिर यहां से फ्लॉप है, 24 रन नाबाद, 42 रन उसके बाद 39 रन। हेड टू हेड में दोस्तों काफी मुकाबले यहां पर बटलर ने खेले हुए हैं जिसमें दोस्तों टोटल 481 रन इस खिलाड़ी ने बनाए थे, 32 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे एक ही मुकाबला खेला है जिसमें 25 रन का परफॉर्मेंस, T20 फॉर्मेट में 35 का एवरेज
स्कोर है। तो यहां से दोस्तों आप बटलर को सीबीसी में जरूर ट्राई करके चलना, क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी आपको देखने को मिलेगा। और रिसेंट के मैचों के अकॉर्डिंग बात करें तो रिसेंट के मैच में दोस्तों हाईएस्ट इस खिलाड़ी की तरफ से 42 रन का स्कोर देखने को मिला है। बाकी के मैचों में दोस्तों इस खिलाड़ी ने 25-24 रन का ही परफॉर्मेंस किया है। इधर दोस्तों फिलिप साल्ट की बात करें तो इसने कंटिन्यू यहां से इतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया, फिर दोस्तों यहां से 87 रन नाबाद इस खिलाड़ी ने बनाए थे। तो यहां से दोस्तों आप जोस बटलर को सीबीसी में ट्राई करके चल सकते हो। विकेट कीपिंग में दोस्तों दोनों खिलाड़ी इंग्लैंड की तरफ से इंपॉर्टेंट होंगे स्मॉल लीग टीम में। अगर ग्रैंड लीग की बात करें तो यहां से दोस्तों आप फिलिप साल्ट को ड्रॉप भी करके चल सकते हो, क्योंकि हाई सिलेक्शन में देखने को मिलेगा। उसका दोस्तों प्लेयर बैटल एक बार चेक करेंगे, अगर प्लेयर बैटल दोस्तों खराब है तो हम कंफर्म उस खिलाड़ी को ग्रैंड लीग टीम में ड्रॉप करके चलेंगे। उसके बाद दोस्तों जोनी बेस्टो आज के मैच का ट्रंप कार्ड खिलाड़ी रहेगा। रिसेंट में 48 रन नाबाद, 31 रन, 8 रन नाबाद, फिर दोस्तों 7 रन, उसके बाद 28 रन नाबाद, हेड टू हेड में 15 मुकाबले, टोटल दोस्तों 485 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हैं। 44 का एवरेज स्कोर है। ग्राउंड पे दोस्तों दो ही मुकाबले खेले हुए हैं जिसमें 116 रन ये खिलाड़ी बना चुका है। T20 फॉर्मेट में 30 का एवरेज स्कोर है। जोनी बेस्टो भी दोस्तों काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी देखने को मिलेगा। विकेट कीपिंग में दोस्तों ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। और लगभग दोस्तों यहां से बैटिंग ऑर्डर में आपको आज के मैच में जोनी बेस्टो देखने को मिलेगा। तो ये खिलाड़ी भी दोस्तों आपकी टीम में ट्रंप प्लेयर का काम करेगा और ये भी दोस्तों ट्रंप कार्ड खिलाड़ी है, आज के मैच में पिक करके चलना है। उसके बाद दोस्तों हैरी ब्रुक रिसेंट में बैटिंग नहीं है, उसके बाद 47 रन नाबाद, फिर 20 रन नाबाद, 17 रन नाबाद, उसके बाद 1 रन। जब भी दोस्तों इस खिलाड़ी की बैटिंग देखने को मिली है तीन मैचों में, तीन के तीन मुकाबलों में दोस्तों ये खिलाड़ी नाबाद है, आज के मैच का ट्रंप कार्ड खिलाड़ी दोस्तों देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों आपने ऊपर के बैटिंग ऑर्डर में ड्रॉप किया है तो यहां से हैरी ब्रुक को बैटिंग ऑर्डर में जरूर ट्राई करके चलना है। हेड टू हेड वेन्यू पे दोस्तों हेड टू हेड में पहला मैच है, ग्राउंड पे एक मुकाबला खेला था जिसमें बैटिंग देखने को नहीं मिली। 29 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का बैटिंग से है। हैरी ब्रुक को दोस्तों लेके चलना है। फिर दोस्तों बात करेंगे यहां से मोइन अली के बारे में। रिसेंट वाले मैच में 13 रन प्लस में एक विकेट, फिर यहां से 16 रन, 25 रन, एक विकेट, फिर फ्लॉप है, उसके बाद फिर से एक विकेट। हेड टू हेड में 11 मुकाबले, 20 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, प्लस में दोस्तों 9 विकेट है। ग्राउंड पे एक ही मुकाबला खेला था जिसमें एक विकेट के साथ परफॉर्मेंस। T20 फॉर्मेट में 50 विकेट दोस्तों यहां पर निकाल रखी है मोइन अली ने। और लगभग दोस्तों ये खिलाड़ी आज के मैच में एक या फिर दोस्तों दो ओवर जरूर करवाएगा। प्लस में इस खिलाड़ी की बैटिंग भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि दोनों टीमों के अगर दोस्तों कंपेयर के अकॉर्डिंग बात करें तो दोनों टीमों के दोस्तों विनिंग के 50-50 चांसेस हैं। यानी कि दोनों की बॉलिंग लाइनअप दोस्तों काफी आक्रामक बॉलिंग लाइनअप देखने को मिलेगी। दोनों टीमें दोस्तों बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी। उसके बाद दोस्तों लिविंगस्टोन रिसेंट वाले मैच में एक विकेट, उसके बाद 13 रन, 15 रन, एक विकेट, दो विकेट, दो रन नाबाद, एक विकेट, हेड टू हेड में 6 मुकाबले, टोटल 70 रन है, 11 का एवरेज स्कोर, ग्राउंड पे दोस्तों एक ही विकेट है। T20 फॉर्मेट में 23 विकेट निकाल चुका है, 23 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। लिविंगस्टोन भी दोस्तों आज के मैच में बॉलिंग करवाएगा। उसके बाद बात करेंगे सैम करन की। तो सैम करन का दोस्तों आज के मैच में हाई सिलेक्शन है, लेकिन दोस्तों ये खिलाड़ी हेड टू हेड में बिल्कुल फ्लॉप है। रिसेंट के मैचों की बात करें तो दो मैचों में कंटिन्यू फ्लॉप है, दो ही T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले खेले हुए हैं रिसेंट में, और दोनों के दोनों मैचों में दोस्तों 0-0 विकेट। हेड टू हेड में अभी तक 3 ही विकेट दोस्तों इस खिलाड़ी ने निकाली है, 6 मुकाबले खेल चुका है, बैटिंग से भी फ्लॉप है, ग्राउंड पे भी फ्लॉप है। T20 फॉर्मेट में 49 विकेट है, 13 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। तो अभी के लिए दोस्तों मैं सैम करन को ड्रॉप ही करके जाने वाला हूं। फिर दोस्तों यहां से जोफ्रा आर्चर, जो कि कंटिन्यू 4 मैचों से दोस्तों काफी तगड़ा परफॉर्मेंस करके आ रहा है, 1-1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, हेड टू हेड में 3 मुकाबले, टोटल 2 विकेट है, ग्राउंड पे 1 विकेट, T20 फॉर्मेट में 27 विकेट दोस्तों यहां पर जोफ्रा आर्चर ने निकाली हुई है, बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे यहां से आदिल रशीद के बारे में, जो कि रिसेंट के मैच में 1 विकेट के साथ परफॉर्मेंस करके आ रहा है, उसके बाद दोस्तों फ्लॉप है, फिर 4 विकेट, उसके बाद फिर से 1 विकेट, हेड टू हेड में 15 मुकाबले, टोटल 11 विकेट है, ग्राउंड पे 2 विकेट है। T20 फॉर्मेट में 116 विकेट दोस्तों यहां पर आदिल रशीद ने निकाली हुई है। अगर इस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करें, एक या फिर दोस्तों मैक्सिमम 2 विकेट यहां से आदिल रशीद जरूर लेके जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। हेड टू हेड में भी काफी मुकाबले दोस्तों इस खिलाड़ी ने खेले हैं, 15 मुकाबले ये खिलाड़ी खेल चुका है। फिर दोस्तों यहां से मार्क वुड रिसेंट वाले मैच में फ्लॉप है, फिर दोस्तों 3 विकेट के साथ परफॉर्मेंस, फिर यहां से कंटिन्यू 2 मैचों में फ्लॉप, फिर यहां से 2 विकेट, हेड टू हेड में 6 विकेट है, ग्राउंड पे दोस्तों फ्लॉप है। T20 फॉर्मेट में 50 विकेट दोस्तों यहां से मार्क वुड ने निकाली हुई है। उसके बाद बात करेंगे यहां से फाइनल बॉलर के बारे में, टोपली, जो कि रिसेंट के कंटिन्यू 3 मैच से फ्लॉप चल रहा है, उसके बाद 1 विकेट, फिर यहां से 3 विकेट, और हेड टू हेड में दोस्तों अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें 2 ही विकेट के साथ परफॉर्मेंस है, ग्राउंड पे भी दोस्तों फ्लॉप है, 31 विकेट T20 फॉर्मेट में। इंग्लैंड का दोस्तों जो बॉलिंग लाइनअप है वो लगभग दोस्तों फ्लॉप ही देखने को मिला है। यहां से आप लगा लो चाहिए जोफ्रा आर्चर के बारे में, हेड टू हेड में कम परफॉर्मेंस है, टोपली भी दोस्तों इतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, उसके साथ साथ सैम करन भी फ्लॉप है, मार्क वुड भी फ्लॉप है, और आदिल रशीद भी फ्लॉप है। यानी कि दोस्तों मोइन अली या फिर लिविंगस्टोन, ये दोनों खिलाड़ी आज के
मैच के ट्रंप प्लेयर देखने को मिलेंगे और दोनों खिलाड़ी तीन तीन ओवर भी दोस्तों आपको करवाते हुए नजर आ सकते हैं। बात करेंगे स्टार्टिंग और डेथ में कौन कौन सा खिलाड़ी बॉलिंग करवाएगा। स्टार्टिंग में दोस्तों यहां से टोपली, मार्कवुड, जोफ्रा आर्चर, सैम करन। डेथ में दोस्तों जोफ्रा आर्चर, सैम करन, मार्कवुड और आदिल रशीद, ये चार खिलाड़ी दोस्तों डेथ में बॉलिंग करवाएंगे। ऊपर के दोस्तों तीन खिलाड़ी स्टार्टिंग के ओवर करवाते हुए नजर आ सकते हैं। इनमें से दोस्तों बात करें अगर टोपली के बारे में तो ये दोस्तों लगभग एक या फिर दो विकेट के साथ जरूर परफॉर्मेंस करेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों बेंच प्लेयरों के बारे में, तो बेंच प्लेयर में दोस्तों क्रिस जॉर्डन अपडेट हो सकता है, जो कि रिसेंट के मैच में एक या फिर दो विकेट है। हेड टू हेड में भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है, 17 मुकाबलों में 17 विकेट है, ग्राउंड पे 2 विकेट है, 101 विकेट दोस्तों कंप्लीट कर चुका है T20 फॉर्मेट में। तो यहां से दोस्तों अगर फाइनल प्लेइंग 11 में ऐड होता है क्रिस जॉर्डन तो हम इस खिलाड़ी को जरूर लेके चलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर है और दोस्तों यही खिलाड़ी है जो साउथ अफ्रीका के सामने बॉलिंग से दोस्तों ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है। बाकी दोस्तों हर खिलाड़ी यहां से फ्लोपी देखने को मिला है। उसके साथ बात कर लेते हैं प्लेयर बैटल के बारे में, तो प्लेयर बैटल में दोस्तों फिलिप साल्ट का प्लेयर बैटल नहीं है, यानी कि दोस्तों वो खिलाड़ी लगभग स्मॉल लीग टीम में तो इंपॉर्टेंट होगा ही, यानी कि ग्रैंड लीग टीम की बात करें तो 20-25 या फिर दोस्तों मैक्सिमम 30 रन पे वो खिलाड़ी एक या फिर दो कैच जरूर देगा। अगर उसके बावजूद दोस्तों उस खिलाड़ी की विकेट नहीं निकलती है तो उस खिलाड़ी की तरफ से दोस्तों हाई आपको रन देखने को मिल जाएंगे। बात करें दोस्तों प्लेयर बैटल के बारे में, तो जोस बटलर को दोस्तों दो बार यहां से केशव महाराज, एक बार नोकिया, एक बार तरबेज शमसी, जोनी बेस्टो को शमसी और एक बार महाराज और एक बार यहां से कगिशो रबाडा, मोइन अली को दो बार तरबेज शमसी, एक बार दोस्तों यहां पर एडन मार्करम, लिविंगस्टोन को भी दोस्तों यहां से तरबेज शमसी, सैम करन को भी दो बार तरबेज शमसी, एक बार दोस्तों यहां से कगिशो रबाडा, यानी कि तरबेज शमसी दोस्तों आज के मैच का ट्रंप प्लेयर कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनशिप में देखने को मिल सकता है और बहुत ही लो सिलेक्शन वाला दोस्तों खिलाड़ी देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों यहां से साउथ अफ्रीका की आज के मैच की क्या फाइनल प्लेइंग 11 है। ओपनिंग बैट्समैन में दोस्तों हम किस खिलाड़ी को लेके चलें, मिडल बैटिंग ऑर्डर में दोस्तों कौन कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले दोस्तों प्लेइंग 11 ओपनिंग बैट्समैन क्विंटन डिकॉक, हेनरिक्स, उसके साथ दोस्तों एडन मार्करम, हेनरिक कैलासन, डेविड मिलर, उसके साथ स्टब्स है, फिर दोस्तों यानसन, फिर केशव महाराज, कगिशो रबाडा, नोकिया और तरबेज शमसी, ये दोस्तों फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से। तो यहां से दोस्तों आपकी टीम में तरबेज शमसी जरूर ग्रैंड लीग टीम में कैप्टन होना चाहिए। बात करेंगे दोस्तों यहां से प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सा खिलाड़ी रिसेंट के मैचों में किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों यहां से क्विंटन डिकॉक रिसेंट में 74 रन, फिर यहां से 10, 18, 0, 20 एक ही मैच में दोस्तों रिसेंट में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, जिसमें 74 रन इस खिलाड़ी ने रिसेंट में बनाए थे। हेड टू हेड में 12 मुकाबले, टोटल 340 रन, 28 का एवरेज स्कोर, ग्राउंड पे पहला मैच है, 31 का एवरेज स्कोर दोस्तों इस खिलाड़ी का T20 फॉर्मेट में है। यहां से क्विंटन डिकॉक की बात करें तो क्विंटन डिकॉक दोस्तों अभी के लिए मैं ड्रॉप ही करके जाने वाला हूं, क्योंकि सामने दोस्तों बॉलिंग लगभग दोस्तों स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप देखने को मिल जाएगा, तो उनके सामने दोस्तों इसका प्लेयर बैटल चेक करेंगे, अगर प्लेयर बैटल दोस्तों फ्लॉप है तो हम इसको ड्रॉप ही करके चलेंगे। फिर यहां से हेनरिक्स ओपनिंग बैट्समैन रिसेंट में 11, 43, 0, 3, 4 हेड टू हेड में 9 मुकाबले, टोटल 221 रन, 24 का एवरेज स्कोर है, T20 फॉर्मेट में 30 का एवरेज स्कोर है। दोनों खिलाड़ियों का दोस्तों एवरेज स्कोर T20 में 30-30 का है। हेड टू हेड की बात करें तो 24 और 28 का एवरेज स्कोर आपको हेड टू हेड में देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों यहां से ट्रंप प्लेयर के बारे में, एडन मार्करम दोस्तों आज के मैच का ट्रंप कार्ड खिलाड़ी होगा, रिसेंट में 46 रन, 0 विकेट, फिर 15 रन, 1 विकेट, 4 रन, फिर यहां से 12 रन, हेड टू हेड में 2 ही मुकाबले खेले थे जिसमें 103 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हैं, प्लस में 1 विकेट है, ग्राउंड पे पहला मैच है, T20 फॉर्मेट में 11 विकेट है, 35 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। तो यहां से दोस्तों एडन मार्करम आपकी टीम में होना चाहिए, उसके साथ साथ हेनरिक कैलासन, दोनों खिलाड़ी दोस्तों आज के मैच के ट्रंप प्लेयर देखने को मिलेंगे। सीवीसी की बात करें तो हेनरिक कैलासन को कैप्टनसी में भी ट्राई करके चल सकते हो, उसके साथ साथ एडन मार्करम को भी कैप्टनसी में ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी दोस्तों आपकी टीम के यूनिक सीवीसी देखने को मिल जाएंगे। हेनरिक कैलासन रिसेंट में 36 रन नाबाद और 3 रन, 46 रन, 4 रन, 19 रन नाबाद, हेड टू हेड में 5 मुकाबले, टोटल 132 रन है, 26 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, ग्राउंड पे पहला मैच, T20 फॉर्मेट में 23 का एवरेज स्कोर है। तो यहां से दोस्तों एडन मार्करम प्लस में हेनरिक कैलासन दोनों खिलाड़ी आज के मैच के ट्रंप कार्ड खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। उसके साथ दोस्तों यहां से डेविड मिलर रिसेंट वाले मैच में फ्लॉप है, फिर यहां से 7 रन, 59 रन नाबाद, फिर यहां से 6 रन नाबाद, हेड टू हेड में 14 मुकाबले, टोटल 186 रन, 20 का एवरेज स्कोर, ग्राउंड में पहला मैच, 33 का एवरेज स्कोर दोस्तों T20 फॉर्मेट में। डेविड मिलर को दोस्तों अभी के लिए ड्रॉप ही करके चलना है, क्योंकि इसकी जगह आपकी टीम में होना चाहिए यहां से स्टब्स, रिसेंट में 20 रन नाबाद, 27 रन नाबाद, 33 रन और 13 रन, हेड टू हेड में टोटल 3 ही मुकाबले खेले हुए हैं,
95 रन ये खिलाड़ी बना चुका है, 47 का एवरेज स्कोर है और T20 फॉर्मेट में 23 का एवरेज स्कोर है। यहाँ से दोस्तों स्टब्स आपकी टीम का ट्रंप कार्ड खिलाड़ी देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से। बाकी दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन वाइज अगर बात करें तो डेविड मिलर का दोस्तों हाई सिलेक्शन है स्टब्स के मुकाबले। अगर बात करें तो यहाँ से स्टब्स दोस्तों आज के मैच का ट्रंप प्लेयर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ दोस्तों यहाँ से यानसन रिसेंट वाले मैच में फ्लो पे कंटिन्यू, फिर यहाँ से 5 रन 0 विकेट, फिर 3 रन प्लस में 2 विकेट हेड टू हेड में दोस्तों, और वेन्यू में पहला मैच है T20 फॉर्मेट में 8 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है टोटल 9 मैचों में। उसके साथ केशव महाराज रिसेंट में 1 विकेट 3 विकेट 0 2, उसके बाद फिर से 2 30 विकेट दोस्तों T20 फॉर्मेट में 31 मुकाबले खेले हुए हैं, हेड टू हेड में 4 मैचेस टोटल दोस्तों 3 विकेट इसके पास हैं। फिर दोस्तों बात करेंगे यहां पर कगिसो रबाडा के बारे में। कगिसो रबाडा दोस्तों आज के मैच का इंपॉर्टेंट खिलाड़ी देखने को मिल सकता है, लेकिन दोस्तों यहां पर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो दोस्तों ये खिलाड़ी फ्लॉप भी होगा, क्योंकि एक मैच में परफॉर्मेंस है, एक में फ्लॉप होता है, एक में दोस्तों 2 विकेट, फिर यहां से फ्लॉप, फिर दोस्तों यहां पर 3 विकेट के साथ परफॉर्मेंस, तो शायद दोस्तों ये खिलाड़ी आज के मैच में 0 विकेट लेके आएगा। हेड टू हेड में 8 मुकाबले टोटल 10 विकेट है, ग्राउंड पे पहला मैच है, 65 विकेट दोस्तों इस खिलाड़ी ने T20 फॉर्मेट में निकाली हुई है। उसके बाद नोकिया जो कि कंटिन्यू परफॉर्मेंस पे है, सीवीसी में ट्राई करके चल सकते हो अगर पहले बॉलिंग करवाती है साउथ अफ्रीका की टीम, क्योंकि ये खिलाड़ी डेथ में बॉलिंग करवाएगा। स्टार्टिंग के भी ओवर दोस्तों यहां से नोकिया की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। हेड टू हेड में 3 विकेट है, ग्राउंड पे दोस्तों पहला मैच है, T20 फॉर्मेट में 48 विकेट यहां पर नोकिया ने निकाली हुई है। यहां से दोस्तों दोनों खिलाड़ियों में से बात करें तो कगिसो रबाडा दोस्तों आज के मैच में फ्लॉप होते हुए भी नजर आ जाएगा, लेकिन नोकिया दोस्तों इंपॉर्टेंट खिलाड़ी देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों सीवीसी ऑप्शन यहां से तरबेज शमसी रिसेंट में 1 विकेट, फिर यहां से 4 विकेट, फिर फ्लॉप है, फिर कंटिन्यू 1-1 विकेट है। हेड टू हेड में अभी तक 12 मुकाबले खेले हैं, 16 विकेट के साथ परफॉर्मेंस है, ग्राउंड पे पहला मैच है और 83 विकेट दोस्तों इस खिलाड़ी ने T20 फॉर्मेट में निकाली हुई है। ये दोस्तों फाइनली आपको साउथ अफ्रीका के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों इनके स्टार्टिंग और डेथ में कौन कौन सा खिलाड़ी बॉलिंग करवाएगा, तो स्टार्टिंग के ओवर दोस्तों यहां से यानसन, उसके साथ कगिसो रबाडा, उसके साथ हेडन मार्करम जो कि स्टार्टिंग में ओवर करवाते हुए नजर आ सकता है, डेथ में दोस्तों नोकिया, तरबेज शमसी और कगिसो रबाडा, ये दोस्तों 3 खिलाड़ी डेथ में बॉलिंग करवाएंगे। ऊपर के दोस्तों 3 खिलाड़ी स्टार्टिंग के ओवर करवाते हुए नजर आ सकते हैं। और दोस्तों इनके जो बेंच प्लेयर हैं इनमें से यहां पर बैट्समैन अगर अपडेट होता है जो कि रिसेंट के मैचों में दोस्तों फ्लॉप चल रहा है, उसके बाद यहां पर 3 मैचों में परफॉर्मेंस है, हेड टू हेड और वेन्यू पे पहला मैच है, 8 विकेट दोस्तों T20 फॉर्मेट में इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है। बाकी दोस्तों यहां से कोई भी अपडेट होगा वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों यहां से प्लेयर बैटल के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों क्विंटन डिकोक, मैं क्विंटन डिकोक को दोस्तों इसलिए यहां से ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि मोइन अली दोस्तों 3 बार आउट कर चुका है, 3 बार यहां से क्रिस जॉर्डन, 1 बार टोपली, 1 बार मार्कवुड, 1 बार आदिल रशीद। हेनरिक्स की बात करें तो 2 बार दोस्तों मोइन अली, 1 बार मार्कवुड, 1 बार क्रिस जॉर्डन, 1 बार दोस्तों आदिल रशीद। हेनरी कैलासन को 1 बार क्रिस जॉर्डन, आदिल रशीद, सैम करन 1-1 बार आउट कर चुके हैं। उसके बाद डेविड मिलर को 3 बार दोस्तों क्रिस जॉर्डन, 1 बार मार्कवुड, 1 बार आदिल रशीद। टोटल दोस्तों 4 खिलाड़ियों का प्लेयर बैटल है। क्रिस जॉर्डन अगर अपडेट होता है तो क्रिस जॉर्डन दोस्तों 3 खिलाड़ियों के सामने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करता है, एक तो डेविड मिलर, एक दोस्तों हेनरिक्स और एक क्विंटन डिकोक, यानी कि तीनों खिलाड़ी ये फ्लॉप होते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहां से दोस्तों हमने हेनरी कैलासन को पिक किया है, उसके साथ साथ मोइन अली हमारी टीम में इंपॉर्टेंट होगा, उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर हम स्टब्स को भी लेके चलेंगे जो कि आज के मैच का ट्रंप कार्ड खिलाड़ी भी देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे दोस्तों हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों के बारे में, तो हाई सिलेक्शन में दोस्तों फिलिप साल्ट, बटलर, मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, इधर से दोस्तों क्विंटन डिकोक और एडन मार्करम, हेनरी कैलासन और नोकिया। ट्रंप प्लेयरों में दोस्तों जोनी बेस्टो और मोइन अली ट्रंप कार्ड खिलाड़ी हैं, इधर दोस्तों कगिसो रबाडा और तरबेज शमसी, ये 4 खिलाड़ी दोस्तों लो सिलेक्शन में देखने को मिलेंगे जो कि आज के ट्रंप कार्ड खिलाड़ी हैं। ऊपर के दोस्तों 8 खिलाड़ी सबसे ज्यादा हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, प्लस में कैप्टन वॉइस कैप्टनशिप भी दोस्तों आपको हाई सिलेक्शन में ही देखने को मिल जाएगी। प्लस में दोस्तों हम कैप्टन, जो कैप्टन और वॉइस कैप्टनशिप अगर यूनिक खिलाड़ियों की तरफ जाएं तो दोस्तों यहां से तरबेज शमसी आपकी टीम में जरूर कैप्टन और वॉइस कैप्टन होना चाहिए। और दोस्तों अभी तक अगर आपने रियल 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है जो कि दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से दोस्तों रियल 11 एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना, इस पर बनाई अपनी आज की फाइनल फैंटेसी टीम। यहां पर दोस्तों अभी डिपॉजिट ऑफर भी चल रहा है, अगर आप फर्स्ट डिपॉजिट करते हो तो ₹200 पे दोस्तों आपको ₹125 एक्स्ट्रा कैश देखने को मिलेंगे। कोड आपको ये लगा के चलना है, जितने भी दोस्तों अमाउंट आप यहां से डिपॉजिट करोगे काफी बढ़िया दोस्तों आपको एक्स्ट्रा कैश भी आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ दोस्तों यहां से आप ट्रेड करके भी प्रॉफिट बना सकते हो, और यहां से दोस्तों आप अपना जो बेस्ट ओपिनियन है, जो भी आपको बेस्ट टीम लगती है उसके खिलाफ दोस्तों आप बढ़िया इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करके प्रॉफिट की तरफ जा सकते हो। फटाफट से दोस्तों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। वीडियो को जरूर लाइक कर लेना और मेरा रेफर कूपन दोस्तों जरूर यूज करना। बात करेंगे मेरी आज की फाइनल फैंटेसी टीम के बारे में। हेनरी कैलासन कैप्टनसी में दोस्तों बटलर है, क्विंटन डिकॉक और फिलिप साल्ट। नीचे दोस्तों जोनी बेस्टो, यहां से एडन मार्करम, तरबेज शमसी, कगिसो रबाडा, नोकिया दोस्तों मेरा वीसी है, आदिल रशीद और जोफ्रा आर्चर। सेकंड टीम में दोस्तों वीसी में मैंने यहां पर ट्राई किया है जोफ्रा आर्चर को। कैप्टनसी में दोस्तों यहां से नोकिया, सैम करन और इधर एडन मार्करम, डेविड मिलर, जोनी बेस्टो, फिलिप साल्ट और इधर दोस्तों बटलर है, हेनरी कैलासन है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रंप कार्ड खिलाड़ियों के बारे में। तो मोइन अली दोस्तों आपकी टीम में होना चाहिए, ट्रंप कार्ड खिलाड़ी है। क्रिस जॉर्डन खेलता है तो आप अपडेट करके जरूर चलना। उसके साथ साथ दोस्तों यहां से जो आपकी टीम में एक और इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन सकता है यहां पर दोस्तों स्टब्स, वो आपकी टीम का ट्रंप कार्ड खिलाड़ी देखने को मिलेगा। बहुत ही लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है, पिक करके चलना है। उसके साथ साथ दोस्तों हमने हेनरी कैलासन को जैसे ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, मोइन अली हो जाएगा। लिविंगस्टोन की बात करें वो भी दोस्तों ट्रंप कार्ड खिलाड़ी है जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ जाएगा। बाकी दोस्तों ये आज की मेरी दो फाइनल फैंटेसी टीमें देखने को मिल जाएगी। बाकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक करना मत बोलना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।